हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि एक्सट्रैक्शन बोर्ड किस तरह से बनाया जाता है। इसके लिए अपने को चाहिए 4 सॉकेट और 4 स्विच बटन, और इसे किस तरह से वायरिंग करते हैं आज हम आपको बताएंगे। इसके लिए चाहिए अपने को थोड़ा सर का वायर और 4 सॉकेट और 4 स्विच बटन। इसे लगाने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले ये देखो, इस तरह से ये पैनल आता है। ये अपने कंसील फिटिंग को यूज़ होता है ये ज़्यादातर। इसके लिए ये जो दो रहते हैं, सबसे पहले ये दो अंदर जाते हैं और इसे इस प्रकार से ऐसा करके इसे अंदर डाल देते हैं। ये बैठ जाता है इस पर, और एक स्विच आपको बताता हूँ मैं किस प्रकार से अंदर डालते हैं इसको। ये फर्स्ट वाला जो है, और उसके बाद स्विच बटन इस प्रकार से लगाते हैं। इसे सबसे पहले ये ऐसा लगाते हैं, यूँ करके ऐसा डाल के ये लॉक हो गया। इस प्रकार से अपने स्विच बटन अपन लगा देना है। ये अलग अलग कंपनी के है समझिए, करके इसका नाम आगे पीछे आ गया है। इसे अपन बराबर करेंगे, इसको ऐसा करके निकालना है। निकल गया, इसका नाम अपन सील कर देंगे। ऐसा करके लगा देंगे। किस पे नाम है किस पे नहीं, अलग अलग टाइप के है ये। इसे ऐसा करके जितने स्विच बटन है अपने उसे ऐसे करके लगा दें। जिस पे नाम है उसका नाम देख के लगाना है। सॉकेट भी इस तरह से ही लगा देना है। बहुत आसान है इसकी फिटिंग। इसे लगाना भी और बिठाना भी। ये अपना बोर्ड बन के तैयार हो गया है। इसका ये जो ऊपर का जो ढक्कन आता है उसे ऐसा करके लगा देना। इसका ढक्कन बढ़िया आने के बाद ये अपना इसका बैक साइड है, इसकी वायरिंग करेंगे अपन। सबसे पहले इसका फेज वायर ले लेना है। अब इसका स्विच देखना है अपने को। यहाँ से ये ऐसा करके बंद, यूँ करके ऑन होगा। तो इसका ये जो ऊपर का जो हिस्सा रहेगा इसमें सॉकेट का आएगा, और इसमें नीचे जो रहेगा वो फेज रहेगा, नीचे वाले हिस्से में फेज रहेगा। इसे नीचे के अपने फेज, ये जो है इसमें फेज डालना है। तो इसकी वायरिंग अपन कर देंगे। अलग अलग कंपनी के लिया हूँ मैं स्विच बटन, आपको समझ में आ जाए कि कौन से भी स्विच बटन नहीं जाएंगे तो उससे आपकी वायरिंग परफेक्ट हो जाएगी। इसका ये हाथ से फेस डालना है, इधर से निकाल लेना है। निकाल लेने के बाद इसे टाइट कर लेना। इसे भी अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। इसका माप ले, इसे काट दो। बहुत इजी रहती है इसकी वायरिंग। एक बार आप ये वायरिंग देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वायरिंग किस प्रकार से की जाती है इसकी। इसका फेस का वायर आ जाने के बाद इसे अपने को करना है, यहाँ से अपना जो मेन जो फेज आ रहा है ये वाला, तो ये मेन फेज भी इसके अंदर डाल देना। ये अपने
चारों फेस की वायरिंग हो गई, ये फेस की पूरी वायरिंग कर दिया। अब अपने को सॉकेट को इसे देना है कनेक्शन। इसे सॉकेट को देने के लिए सबसे पहले जो अपना वायर है, ये वायर को अपन लेके इसको कट लगा लेंगे। कटर से अच्छा काम होता है। ये वाले सॉकेट को इसे फेस दे देना है। आप घर बैठे बैठे भी ये वायरिंग कर सकते हैं। सब बोर्ड की इस तरह से ही होती है वायरिंग। ये वाले अपने सॉकेट को कनेक्शन देना है। इसका जो फेज आएगा इस टर्मिनल पर आ जाएगा। ये दो फेज वायर के अपन ने दे दिए हैं पूरे, और दो की देना बाकी है। ये हो गया ये अपनी फेस की पूरी वायरिंग होके तैयार हो गई है। ये वाला जो हिस्सा है ये अपने सॉकेट को जा रहा है, और ये पूरा फेज एक है। पूरा ये जो फेज है ये पूरा इसमें, जब अपन ये स्विच ऑन करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, और ये अपना जाएगा सॉकेट को। अब ये अपना फेस की वायरिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। अब अपन करेंगे न्यूट्रल की वायरिंग। न्यूट्रल के लिए ले लेना है बड़ा वायर। किधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं न्यूट्रल के लिए।
न्यूट्रल पूरा एक ही आएंगे, कंटिन्यू आएगा। यहाँ से आएंगे न्यूट्रल, इसको अच्छे से टाइट करते हैं। हम यहाँ से अपना जाएंगे न्यूट्रल इस तरह, और अपना जो मेन जो न्यूट्रल रहेगा वो मेन जो ये वाला न्यूट्रल है, अपने यहाँ फेज लगाए थे, और ये वाला अपना मेन न्यूट्रल है, उसे मिला देंगे इसके साथ। इसे ये वाले फेज में एक न्यूट्रल में लगा देंगे। ये वाले न्यूट्रल अच्छे से टाइट कर लेंगे। ये अपनी वायरिंग होके बन के तैयार हो गई। ये अपना मेन फेज न्यूट्रल है, और ये वाला न्यूट्रल पूरा एक दे दिए अपने। यहाँ से आर्थिंग देते हैं, ये आपको ट्रायल बताने के लिए मैंने ये बोर्ड बनाया हूँ। अब इसे अपन चेक की करेंगे किस प्रकार से ऑपरेट होता है। सबसे पहले अपना मेन फेज का वायर लगा देंगे। ये अपना एक बल्ब है, ये बल्ब को अपन इस पर चालू करके चेक करेंगे। ये अपना बोर्ड चालू हो गया, तो इसमें अपन ये वायर लगाएंगे। ये अपना बन के तैयार हो गया, ये अपना फर्स्ट है, इसे बंद चालू कर सकते हैं इस प्रकार से। ये अपना सेकंड, इसकी सॉकेट जो है वो सब ओके एकदम। ये लाइट का वायर है, इसे मैंने नीचे अल्टर करा हो, ये हो गया। और इसके बाद ये वाला अपना ये बन के रेडी हो गया। उसके बाद ये वाला चारों सॉकेट बन के तैयार हो गया। चलेगा ओके गाइस।